नमस्कार दोस्तों, माता रानी के सभी भक्तों को अपना देश की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि गर्मियों की शुरुआत में आने वाला सबसे बड़ा और प्रमुख त्यौहार है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि से नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। नवरात्रि के पहले दिन हम घट स्थापना करते हैं और 9 दिन तक उपवास व्रत के साथ माँ की अलग अलग तरीके से आराधना करते हैं और 9वें दिन कन्या पूजन के बाद हम उपवास को खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली और जरूरी चीज, इस बार आपने कन्या पूजन नहीं करना है, ना ही आपने कन्याओं को बुलाना है और ना ही किसी तरह के जो पूजन सामग्री या प्रसाद जो है वो वितरित करना है। दोस्तों, इस बार हमें इस संकट की समय में मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, इसलिए कुछ छोटी छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इनका ख्याल रखना। साथ ही दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय या एक अचूक मंत्र, जिसे जब भी इंसान पूरे मन और विधि विधान से करता है, उसके जीवन की हर समस्या हर संकट को माने टाला है। और दोस्तों, इस समय तो संकट पूरे विश्व पर है, पूरे भारत वर्ष पर है, तो अगर हम सब भारतीय मिलकर इस मंत्र का जाप करती हैं तो माता आदि शक्ति की कृपा से ये आया हुआ संकट भी बहुत जल्द जो है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, कई जन कहते हैं क्या पूजा पाठ और मंत्र इत्यादि से अगर होता तो फिर दवाइयों की और वैक्सीन की ज़रूरत ही क्या है। प्रैक्टिकली देखें तो दोस्तों सही लगता है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जब ईश्वर की जो है शक्ति हमारे साथ, तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है, तब हम और अधिक अच्छी तरीके से काम को कर पाते हैं। हमारे वैज्ञानिक हमारे लैब में काम करने वाले लोगों को हो सकता है नई ऊर्जा नई शक्ति मिले, और उस नई शक्ति और पावर के साथ अगर वो काम करे तो हो सकता है कोई ऐसी दवाई ईजाद की जा सके जिसको लेते ही कोरोना वायरस को खत्म किया जा सके। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आपने अधिक से अधिक शेयर करना है और इस मंत्र का आपने जाप करना है। इस मंत्र की विधि को जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो है कि ये मंत्र आप नवरात्रि के समय में किसी भी समय और किसी भी दिन कर सकते हैं। और इसके लिए आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने नवरात्र स्थापना की वहीं पर आपने दीपक को जला लेना है। और ध्यान दें दोस्तों, इस मंत्र की जाप के लिए आपने घी का दीपक जो है वही जलाना है, साथ ही आपने आसन जो है उन्हीं आसन जो है वही लेना है। और उसके बाद में इस मंत्र का आपने कम से कम 108 बार जप करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप जप करें तब आपका पूरा मन सिर्फ और सिर्फ माँ आदि शक्ति में ही होना चाहिए। आपको पूरा ध्यान लगाकर पूरा मन से इस मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम रिम दुम दुर्गायै नमः। ओम रिम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार जप करना है। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आप प्लीज़ प्लीज़ देर कम से कम 5 जन के साथ जो आपके फेवरेट हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस मंत्र का जाप करें। जितने जन इसको करेंगे उतना ज़्यादा ये फलदायी होगा, जितना उतना ज़्यादा ये मंत्रित हो जाएगा उतना ज़्यादा ये रिजल्ट देगा। इसलिए मेरी आप सभी से बारम्बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। जय माता दी।